अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। छोटकी, तुम बोली थी ना सुमन को कि वो नंदन को कहीं जाने नहीं देगी। हाँ दीदी, बोले थे उसे। उसके बाद भी ना सिर्फ नंदन को जाने दिया बल्कि उसके साथ चली गई हूँ। अरे ये तो गजब का गैर जिम्मेदाराना हरकत है ना। जरूर कुछ ऐसी बात हुई होगी संदन जी, वरना सुमन आपकी बात काट कर नंदन के साथ नहीं जाती, ना उसको जाने देती। किसी को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बड़ी, हम सबको पता तो है उसकी आदत का। वो आज तक अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ मनाता है, अपने दोस्तों के पास गया होगा। अंशुमन बेटा, तब की बात और थी, तब वो कुंवारा था, वो शादीशुदा लड़का है, उसे अपनी जिम्मेदारियां समझ नहीं आऊंगी। नंदन गैर जिम्मेदार है, बचपना है उसमें, ये हम सब जानते हैं। वो सुमन उसके दोस्तों के साथ पार्टी करेगी? राय बहादुर खानदान का मान मर्यादा का कोई ख्याल ही नहीं उसको। पति के दोस्तों के साथ मटरगस्ती करेगी वो सुमन? घर के मामले में हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो हमारी परवरिश पे भी सवाल उठेंगे। जब बाऊ जी ने कह दिया है कि मार्केश दोष है नंदन बाऊ की कुंडली में, फिर भी सुमनिया से ऐसी लापरवाही हुई कैसे? सुबह से तो मन में डर बैठने का ड्रामा कर रही थी और फिर साथ साथ निकल गई। यहाँ सारा परिवार देखिए, आप सब शांत हो जाइए। नंदन अपने दोस्तों के पास ही गया होगा, और कोई इतना दूर थोड़ी ना गया जो उस पे मार्केश का खतरा लग जाएगा। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूँ वो कहाँ है। ओह गॉड, दिया बुझ गया। हे भगवान, माँ घबराइए मत, सब ठीक है। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है।
लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा। नंदन क्या कर रहे हो? सुमन जाओ, चल। अपना सीट पे। नंदन ट्राई करो ना, गाड़ी रुक जाएगी। गेट खोलो फास्ट। सुन प्लीज मेरी बात सुन। गो गो गो। नंदन। मैं सबको फोन कर चुका हूं, यहां तक कि नंदन के दोस्त भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर नंदन और सुमन का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आज की जनरेशन है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बर्थडे मनाना चाहते होंगे, इसलिए चले होंगे। तानिया ये अमेरिका नहीं है और ना ही सुमन अमेरिका से आई, और अगर आई भी होती तो वो ये लाइट कैसे चली गई? केदारी, लाइट को देखो क्या हुआ है। हेलो, अंशुमन, अंशुमन किसका फोन था? अंशुमन, अंशुमन फोन किसका था? हेलो अंशुमन, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, मैं जमालपुर थाना प्रभारी संजय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमें यहाँ घटना स्थल पर एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आखिरी मिस कॉल आप ही के नंबर का है, इसलिए हमने आपको फोन किया है। घटना स्थल में मोबाइल, पर हुआ क्या है ये तो बताइए आप। देखिए, धैर्य रखिए और हमारी बात सुनिए। यहाँ जमालपुर काली पहाड़ी के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ है।